हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियन साहब जीए यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 18। इसके पहले मैंने ऑलरेडी विज्ञान के 17 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, जहां पर जाकर के आप वो 17 पेपर देख सकते हैं। और वहीं पर आपको PDF फाइल के लिंक भी उपलब्ध करा दी गई है, जहां पर जाकर के आप पूरे वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे WhatsApp ग्रुप की लिंक भी वहां पर दी गई है, जहां से आप WhatsApp ग्रुप से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलें। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जल सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो ये लगभग 80% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में अधिकांश जो भाग है वो काय का बना होता है, तो वो जल का बना होता है, और ये लगभग 80% होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सारे फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो ये लगभग होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा है तो ये होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक मनुष्य का जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में आहार यानी कि जो भोजन होता है मुख्यतः कहाँ पचता है। तो हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो मुख से ही भोजन का पाचन चालू हो जाता है, लेकिन ये अंततः पचता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मानव शरीर में जो हमारा भोजन मुख्यतः कहाँ पचेगा, ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा जो है वो किससे प्राप्त करता है। पनीर, मछली, दूध और पालक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एफ ही हम प्राप्त करते हैं पालक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा तत्व जो होता है वो होता है कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सर्वाधिक यौगिक की बात करें तो हमारे मानव शरीर में लगभग 80% जल होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 80%, ठीक है। और शरीर में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है कार्बन। तो कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वतः मुंह में पाचन होता है। तो जो भी हम भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जब खाते हैं तो सबसे पहले पाचन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कार्बोहाइड्रेट, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य के जो भोजन का जो पाचन है वो एक्चुअली माउथ यानी कि मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मुख के अंदर जो भी टाइलिन, एमाइलेज वगैरह एंजाइम होते हैं वो भोजन के अंदर मिल जाते हैं, और भोजन का पाचन मुख से ही ये प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये है फीमर, और ये जो है हमारे जांग पे पाई जाती है फीमर हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो ये होती है स्टिपेज, तो और ये होती है कान में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बड़ी हड्डी पूछी गई है तो ये फीमर जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये है लीवर, यकृत, ठीक है। तो एक्चुअली ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछा है तो ये होगा हमारा यकृत, इसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, और एक्चुअली सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो ये होता है 1350 ग्राम का, ठीक है। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है अगर उसको हम वेट करें, नॉर्मल वजन उसका कितना होता है, तो ये होता है 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो एक्चुअली मानव का जो मस्तिष्क होता है ये एक्चुअली तीन भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये होगी हमारी तंत्रिका तंत्र, और इसके अंदर एक्चुअली न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये मस्तिष्क में होती है मटर के दाने के समान। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि, और इसे ही हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यही बात पूछी गई है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उपरोस्थि होती है ये एक्चुअली कहाँ होती है? तो उपरोस्थि हम बोलते हैं एक्चुअली जांग में, ठीक है। तो ये एक उपरोस्थि जो हड्डी है ये होगी जांग में। अगला क्वेश्चन है, हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो ये एक्चुअली एक एवरेज है, ऐसा माना जाता है कि एक मिनट में व्यक्ति 16 से 18 बार जो है वो सांस लेता है। तो 16, 17 और 18 लगभग 3 है, तो जो भी ऑप्शन में आपको वहाँ पर मिले उसको आप मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी है टांग के अंदर पाई जाती है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो ये एक्चुअली यही करता है, लीवर, यकृत, और इसी के ऊपर पित्ताशय होता है। तो वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो इसको हम बोलेंगे यकृत, यानी कि लीवर से ही जो है वो पित्त का स्त्रावण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑफ्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो ऑफ्थाल्मिक जो होता है ये आँख से संबंधित है। तो ये जो ऑफ्थोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो आँख वगैरह की जाँच करते हैं, इसी को हम ऑफ्थाल्मिक कहेंगे, ठीक है। एक रोग भी होता है आंखों से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकोमा रोग। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ये ह्यूमन आई से ही संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो हमारी बॉडी के अंदर हमको अगर तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। तो तत्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का 7.4, और पीएच स्केल की जो खोज की थी वो सोरेनसन ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? तो ये हमारा हृदय जो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल रुधिर वर्ग किसका, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसका है? तो ये है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। जबकि सर्वग्राही हम बोलते हैं एबी को, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप जो है वो है एबी, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ओ। अगला क्वेश्चन है, एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको? तो ए और बी को दे सकता है, और एबी को भी वह दे सकता है। अगला क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये एक्चुअली हम सभी को दे सकते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डोनर है। तो ए को, बी को, सी को, यानी कि सभी रक्त समूहों को जो है हम ब्लड ग्रुप ओ चढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है फ्रेंड्स एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज, जिसको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है और ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपसे क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी है, तो ये होंगे हमारे 46। लेकिन अगर पूछे कि गुणसूत्र जोड़े में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 23 जोड़े, और एक में होते हैं 2। तो 23 जोड़े में टोटल कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 46। तो जोड़े अगर पूछे तो 23 आंसर करिएगा, कुल गुणसूत्र अगर पूछे तो 46 आंसर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो ह्यूमन यूरिन होती है उसका पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैं बता चुका हूँ, ये है स्टिपेस, और ये कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, ये जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ह्यूमन टेम्परेचर से पूछ लिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ ये भी कि मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है, तो ये होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98.4 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये अग्नाशय, जिसको हम इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं, वहाँ से स्त्रावित होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो RBC होती है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक होती है RBC, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है, ठीक है। एक होती है WBC, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स,
ये रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, इनको हम ट्रैफिक पुलिस या सफ़ेद पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और एक होती है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती है। और मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो एक जो मनुष्य होता है उसके अंदर ब्लड की जो एवरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 5 से 6 लीटर की, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लाल रक्त का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी जो होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राउंड शेप, यानी कि गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसको हम बोलते हैं 120/80। तो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। तो रक्त का थक्का वगैरह जब भी जम जाता है तो वहीं पे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसका वही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो जिसके कारण ही हमारा मानव का जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और वही मैंने आपको बता दिया है कि वो ऑक्सीजन का संवहन करेगी, जबकि जीवाणुओं का नाश WBC करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आयरन, Fe, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस संविदा वर्ग 2 विज्ञान के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है वो अभी चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, तो उसमें कम से कम 5 से 6 लोगों को आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो ज़रूर आपकी मदद करेगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये साइंस के। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।